दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना महामारी के चलते भले ही स्कूल बंद हो, मगर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौहराधार में आधारभूत ढांचे का निर्माण जारी है। ऐसे में अवकाश के बावजूद अध्यापक वैकल्पिक विद्यालय में खेल मैदान आदि के निर्माण की देखरेख में व्यस्त है, ताकि स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों को कोई मुश्किल न हो। इसके अलावा पाठशाला में पौधे रोपने का भी कार्य चला हुआ है। बता दें कि यह पाठशाला भले ही मॉडर्न स्कूल नहीं, बल्कि मॉडर्न स्कूल से कम नहीं है। इस पाठशाला में इंडोर व आउटडोर के हर प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के लिए खेल मैदान की सुविधाएं मौजूद हैं। माननीय सांसद लोकसभा श्री वीरेंद्र कश्यप जी के अनुदान से लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौराधार के बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए प्राप्त हुई थी। उसी से SMC के माध्यम से इस विद्यालय के बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हो रहा है। इस बात पे खास निगरानी की जा रही है। हमारे स्टाफ के सदस्य खासतौर से स्पोर्ट्स में, चाहे स्पोर्ट्स के DP मैडम मधु पुंडीर, PET श्री शशिपाल जी कंटिन्यूसली इस फील्ड में आ रहे हैं और इस फील्ड का निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि क्वालिटी के साथ और प्रॉपर डायमेंशन के साथ इस कोर्ट का निर्माण हो और जब ये विद्यालय खुलें तो विद्यार्थियों को जो नीरसता भी महीनों की थी, उसे दूर करने में कुछ सहायता मिल सके। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।